नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में मैं दीपक कुमार सामल आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है वेल्डर क्वालिफिकेशन में एसेंशियल वेरिएबल क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं। वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट में हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सिलेक्ट किए हैं, शेल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। उसमें एसेंशियल वेरिएबल क्या क्या होते हैं वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के टाइम में, आज हम लोग उसको देखेंगे। दोस्तों आप वीडियो जरूर देखें, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल बटन भी दबाएं। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए एसेंशियल वेरिएबल स्माउ SMAW प्रोसेस के लिए क्या क्या होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे QW 353 पेज नंबर 74 एज पर लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2017 सेक्शन 9 का अगर हम देखेंगे, तो उसमें वेल्डर क्वालिफिकेशन में क्या क्या एसेंशियल वेरिएबल होता है SMAW प्रोसेस में वो डिस्क्राइब किया है। तो आइए एक बार देख लेते हैं SMAW प्रोसेस में कौन सा एसेंशियल वेरिएबल है। जैसे QW 402 का जॉइंट्स 0.4 में उसको डिलीशन ऑफ बेकिंग आता है, और QW 403 बेस मेटल में चेंज ऑफ पाइप डायमीटर, चेंज इन पी नंबर, QW 404 फिलर मेटल में 0.15 में चेंज इन एफ नंबर, 0.30 में चेंज इन वेल्ड थिकनेस डिपोजिटेड, एंड QW 405 पोजिशन में 0.1 में एडिशन ऑफ ए पोजिशन और 0.3 में चेंज फ्रॉम वर्टिकल अप टू वर्टिकल डाउन। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो ये सब पॉइंट उसका एसेंशियल वेरिएबल है। उसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसके लिए हमको रिक्वालिफाई करना पड़ेगा वेल्डर को। चलिए एक एक पॉइंट में हम लोग थोड़ा विस्तार में समझते हैं। अभी 402 में जो पहला पॉइंट था वो बेकिंग, रिमूवल ऑफ बेकिंग। अगर कोई वेल्डर बेकिंग लगा के टेस्ट कूपन को वेल्डिंग किया है, उसके बाद वो बिना बेकिंग का प्रोडक्शन वर्ल्ड में वेल्डिंग मारना चाहता है, तो हम लोग उसको अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोड बोलता है अगर वो बेकिंग के साथ वेल्डिंग किया है, वो विदाउट बेकिंग वेल्डिंग करना चाहता है, तो उसको और एक बार रिक्वालिफाई होना पड़ेगा विदाउट बेकिंग में, तभी वो विदाउट बेकिंग वेल्डिंग कर सकता है। तो ये एक एसेंशियल वेरिएबल है SMAW प्रोसेस में एक वेल्डर के लिए। अगर वो विथ बेकिंग वेल्डिंग मारा है तो हम लोग उसको विदाउट बेकिंग वेल्डिंग में अलाउ नहीं कर सकते। अभी उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा पाइप डायमीटर क्वालिफिकेशन। पाइप डायमीटर क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक वेल्डर के लिए। सेक्शन बोलता है, SMA सेक्शन 9 बोलता है, अगर कोई वेल्डर लोअर डाया हाफ इंच या 3/4 इंच का वेल्डिंग करता है तो ज्यादा डिफिकल्ट होता है 6 इंच या 8 इंच का वेल्डिंग करने के लिए। तो इसीलिए अगर कोई वेल्डर हाफ इंच और 1 इंच SMA क्वालिफाई करता है तो उसके लिए एक टेबल दिया गया है। उस टेबल के हिसाब से वो टेस्ट कूपन किस में वेल्डिंग किया है और किसके लिए हम लोग उसको क्वालिफाई करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो टेबल में क्या मेंशन किया है। टेबल बोलता है अगर कोई वेल्डर लेस देन 1 इंच में टेस्ट कूपन मारा है, ओके, ओडी ओडी और एनपीएस अलग है दोस्तों। ओडी आउटसाइड डाया, एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज, इन बिटवीन आईडी एंड ओडी वी कॉल इट एनपीएस, नॉमिनल उसका मीन में आता है। तो लेस देन 1 इंच में अगर वो होल्डिंग किया है, मान लो हाफ इंच या 3/4 में किया है, तो जितना में किया है साइज वेल्डेड मिनिमम से मैक्सिमम अनलिमिटेड तक क्वालिफाइड है। अगर वो 1 इंच में हाफ इंच में टेस्ट कूपन मारा है तो हम उसको हाफ इंच से अनलिमिटेड तक क्वालिफाई करेंगे। अगर एक वेल्डर 1 इंच 2 2 7 8 इंच में मारा है तो हम लोग उसको 1 इंच से अनलिमिटेड तक क्वालिफाई करेंगे। मान लो वेल्डर 2 इंच में एक टेस्ट कूपन मारा है तो हम लोग उसको 1 इंच एंड अबव करेंगे। अगर 2 7 8 इंच से ऊपर में मारा है तो हम लोग उसको 2 7 8 इंच एंड अनलिमिटेड करेंगे। मान लो कोई वेल्डर 6 इंच में मारा है, 8 इंच में टेस्ट कूपन मारा है, तो हम लोग 2 7 8 इंच एंड अबव उसको क्वालिफाई करेंगे। तो वही इधर कोड थोड़ा इलेबोरेटली लिख रहा है, अंडर 1 इंच क्वालिफाई, तो जो साइज में वेल्डिंग किया है वहां से ऊपर तक क्वालिफाई है। 1 इंच टेस्ट 2 7 8 इंच है तो 1 इंच एंड अनलिमिटेड, और ओवर 2 7 8 इंच इज 2 7 8 इंच एंड अनलिमिटेड, उसको हम लोग क्वालिफाई करेंगे। तो उसके बाद और एक एसेंशियल वेरिएबल आता है पी नंबर। पी नंबर किसको बोलते हैं, बेस मेटेरियल को हम लोग पी नंबर बोलते हैं। उसका एक अलग सा वीडियो में बनाया, पी नंबर क्या है, एफ नंबर क्या है, ए नंबर क्या है, एस नंबर क्या है। तो पी नंबर जो बेस मेटल है वो एक एसेंशियल वेरिएबल है। एक वेल्डर अगर पी नंबर कोई पर्टिकुलर पी नंबर में क्वालिफाई है तो दूसरा पी नंबर में क्वालिफाई होने के लिए उसको रीटेस्ट करना पड़ेगा। वो कौन सा पी नंबर में क्वालिफाई किया, कौन सा में वो क्वालिफाइड है, उसका एक चार्ट सेक्शन 9 हमको दिया है। तो वो चार्ट के हिसाब से हम लोग उसको दे सकते हैं कि
कि ए होल्डर ए वाला पिन नंबर में होल्डिंग किया तो हम लोग उसको इसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। सेम एफ नंबर ऑल्सो है एसेंशियल वेरिएबल। एफ नंबर फिलर मेटल को हम लोग बोलते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया, कौन सा पिलर वायर यूज किया, वो पिलर वायर के हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे कि सेक्शन 9 क्या बोलता है, कौन सा पिलर वायर में होल्डिंग किया तो कौन सा में हम लोग क्वालिफाई करेंगे। जनरली एक थम रूल आता है कि अगर हायर पिलर वायर यूज करता है तो इट इज मोर डिफिकल्ट टू डू द होल्डिंग। तो उसी हिसाब से हम लोग जाके एक चार्ट में जाके चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये एफ नंबर 2 में किया था, या एफ नंबर 4 में किया था, या एफ नंबर 6 में किया था, तो हम लोग उसको कौन सा एफ नंबर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चार्ट है, ये चार्ट में लिखा रहता है कि एफ नंबर विथ बैकिंग में अगर वो क्वालिफाई होता है तो एफ नंबर 1 में विथ बैकिंग में वो क्वालिफाइड होगा, ये बैकिंग का है। ओके, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको ये चार्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा में होल्डिंग किया और किस में हम लोग उसको क्वालिफाई करेंगे। सेम चीज एफ नंबर 1 टू एफ नंबर 5 में हम लोग पीछे में देखें तो उसी हिसाब से एफ नंबर 6 से आगे तक उसका और एक चार्ट रहता है, और उसमें वो क्लियरली मेंशन करता है कि अगर कोई होल्डर एफ नंबर 6 में क्वालिफाई है तो वो एफ नंबर 6 में क्वालिफाइड होगा। एफ नंबर 21 टू 25 से 21 टू 25 होगा, इसी तरह से वो पूरा चार्ट में दिया गया है। आप वो चार्ट QW433 फॉलो करिए और उसी हिसाब से एक होल्डर को कौन सा में टेस्ट कूपन मारा और किसी में वो क्वालिफाई होगा वो हम लोग उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। और उसके बाद आता है थिकनेस ऑफ होल्ड मेटल डिपॉजिट। एक होल्डर थिकनेस ऑफ होल्ड मेटल डिपॉजिट में हम लोग देखते हैं कि एक होल्डर कितना होल्ड मेटल टेस्ट कूपन मारने के टाइम में मारा, उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कितना प्रोडक्शन में मारेगा। जनरली उसका क्या है, एक होल्डर अगर 13 mm से नीचे मारता है तो हम लोग उसको 2T को अलाउ करते हैं। दिस इज एज पर कोड, आगे हम लोग देखेंगे। उसका एक टेबल है, मान लो कोई होल्डर 5 mm का होल्ड मेटल डिपॉजिट किया, 5.4 mm का किया ड्यूरिंग द टेस्ट कूपन, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन में मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 10.8 mm तक मारने के लिए अलाउ करेंगे। मगर हम लोग कब उसको अनलिमिटेड मारने के लिए अलाउ करेंगे, जब वो 1/2 इंच या 13 mm तक वर्ल्ड मारेगा। और कैसे मारेगा, मोर देन 3 लेयर, और 3 लेयर और मोर देन 3 लेयर में अगर उसको मारता है तो हम लोग उसको अनलिमिटेड के लिए अलाउ करेंगे। आइए टेबल देखते हैं। टेबल में ऑलरेडी क्लियरली मेंशन करता है 452.1B में अगर वो लेस देन 13 mm का कोई भी होल्ड मारता है तो हम लोग उसको 2T में अलाउ करते हैं। थिकनेस ऑफ होल्ड मेटल क्वालिफाइड इज 2T। ओके, तो 2T में हम लोग अलाउ करते हैं। 10 mm मारा तो 20, 12 का मारा तो 24, अगर 13 mm के ऊपर मारता है या 13 mm मारता है तो हम लोग क्या करते हैं, और वो भी मिनिमम 3 लेयर में मारता है। इधर लिखता है क्लियरली विथ ओवर ए मिनिमम ऑफ 3 लेयर्स अगर मारता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 2T में अलाउ करेंगे और उसको अनलिमिटेड, सॉरी उसको अनलिमिटेड क्ले कर देंगे। अगर 13 mm से ऊपर मारता है 3 लेयर में तो अनलिमिटेड थिकनेस तक वो मार सकता है। तो वही इधर डिस्क्राइब किया है। उसके बाद और एक एसेंशियल वेरिएबल क्या आता है, पोजिशन। पोजिशन कितना तरह के पोजिशन होते हैं, हमारे जनरली 4 तरह के पोजिशन होते हैं, 1G, 2G, 3G, 4G। तो 1G डाउन एंड, 2G हॉरिजॉन्टल, 3G ओवरहेड वर्टिकल एंड 4G इज ओवरहेड। तो ये चारों पोजिशन जो है उसमें हम लोग कौन सा पोजिशन में मारने पर एक होल्डर को किस में क्वालिफाई करेंगे वही हम लोग देखते हैं। जनरली होल्डर क्या करता है, 6G पोजिशन में मारता है। 6G पोजिशन जो क्या होता है, वो पाइप को हम लोग 45 ± 5 में रखते हैं, रखने के बाद उसको होल्डिंग मारते हैं। उसमें क्या आता है, 1G आता है, हाँ सॉरी डाउन एंड भी आता है, वर्टिकल भी आता है, ओवरहेड भी आता है, हॉरिजॉन्टल भी आता है। और ओवरहेड जो आता है उसमें वो डाउन एंड कवर हो जाता है। ओके, 1G, 2G, 3G, 4G चारों पोजिशन कवर हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑल पोजिशन इज कवर्ड। अगर वो 5G में मारता है उसमें डाउन एंड आता है, वर्टिकल आता है, ओवरहेड आता है, मगर हॉरिजॉन्टल पोजिशन नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बंदा 5G में मारता है तो हम लोग उसको बोलते हैं आपको 2G में भी क्वालिफाई होना पड़ेगा अगर आपको ऑल पोजिशन में क्वालिफाई होना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल पोजिशन क्वालिफाइड एंड पोजिशन, इसमें एक एसेंशियल वेरिएबल है। तो वही इधर एक्सप्लेन किया है, प्लाट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड ओवरहेड। हम लोग अगर 1G में मार रहे हैं तो उसको प्लाट पोजीशन बोल रहे हैं, 2G में मार रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोल रहे हैं, 5G में मार रहे हैं तो प्लाट वर्टिकल और ओवरहेड होता है, मगर हॉरिजॉन्टल मिस हो जाता है। और जब हम लोग 6G में मारते हैं तो प्लाट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ओवरहेड सब पोजीशन कवर होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद ये जो ओवर देन 24 इंच का एक है टेबल है 461.9 में, जो मेंशन करता है कि अगर कोई पाइप ग्रुप वाला पाइप
अगर वो मारता है लेस देन 24 इंच में, अगर टेस्ट में क्वालिफाई करता है, तो उसको ओवर 24 इंच में हम लोग क्वालिफाई करेंगे। मगर वो टेस्ट सब जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हमारा इधर और एक टेबल आता है, जो टेबल हमको कंस्ट्रेंट करके बोलता है कि अगर ग्रुप डाया लेस देन है तो हम लोग उसके ऊपर जा सकता है, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन किया। इसलिए 461.9 ऑल्दो अप्लाई होता है कि लेस देन 24 इंच, अगर इफ समबडी इन पाइप ग्रुप इट इज अलाउड टू वेल्ड इन ओवर 24 इंच, बट दिस टेबल 452.3 स्टॉप्स इट टू डू सो। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 452.3 को भी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद और एक एसेंशियल वेरिएबल और क्या आता है ना, आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब आपको वर्टिकल अप और डाउन, अगर कोई होल्डर वर्टिकल अप में होल्डिंग मार रहा है नीचे से ऊपर तक, तो उसको डाउन में हम लोग नहीं अलाउ करेंगे, ये एक एसेंशियल वेरिएबल है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा होल्डर का एसेंशियल वेरिएबल फॉर एसएमडब्ल्यू प्रोसेस। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बटन दबाइए, और आगे हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में मैं दीपक कुमार साम